हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे। हम सीखेंगे घर पे ही हम कैसे गिटार का पिक्स बना सके। तो ये पिक्स मैंने अभी घर पे ही बनाया, आप देख सकते हो पूरा ओरिजिनल लग रहा है। तो अभी हम घर पे ही मिलने वाले सामान को यूज़ करके पिक्स बनाएंगे, आप इसको आराम से बना सकते हो। तो मेरा पिक्स खोता रहता है तो मैंने सोचा घर पे ही क्यों ना पिक्स बनाया जाए, क्योंकि अभी बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन चल रहा है। अगर आपका पिक खो गया है तो आप घर पर बनाइए आराम से, गिटार को प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो पिक बनाया पूरा ओरिजिनल लग रहा है, काफ़ी फ्लेक्सीबल है एंड इसका फील भी पूरा ओरिजिनल पिक जैसा आपको लगेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, इसको जरूर देखिए, काफी हेल्प करेगा आपको। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आइए देखते हैं हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज आपको घर पे ही मोस्टली मिल जाएंगे, तो आप आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहला है कि आपके पास एक पिक होना चाहिए जिसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से एक पिक है उसका यूज करके उसका फ्रेम बना के आप आराम से बना सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी पिक नहीं है, अभी सब कुछ खो चुका है, तो अभी मैं आपको एक अच्छा जुगाड़ बता दूंगा जिसका आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको एक चाहिए टिश्यू पेपर, ठीक है। ये मोस्टली सभी घर में मिल जाएंगे। अगर आपके पास पिक नहीं है आप टिश्यू पेपर का यूज कीजिए, बताऊंगा क्या करना है आपको। देन आपको चाहिए परमानेंट मार्कर, ठीक है, ये भी मिल जाएंगे घर पे। एक सीजर काटने के लिए, थोड़ा शार्प होना चाहिए। देन आपको चाहिए एक पुराना डीवीडी, ये हमारा मेन आइटम है जिससे हम पिक बनाएंगे। तो आप कोई भी पुराना डीवीडी ले लीजिए, मेरे पास यहाँ पे एक गेम का डीवीडी है प्रोटोटाइप जो कि खराब हो चुका है ये डीवीडी, तो मैं इसका यूज करूंगा। पर मैंने जो पिक्स बनाया था उसके लिए मैंने ये डीवीडी यूज किया था, एक विंडोज का डीवीडी है, पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, तो इसको मैंने आधा काट लिया है। तो इसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का डीवीडी यूज कर सकते हो जो कि आपके घर पे मिल जाएगा एंड आपका यूज भी नहीं हो रहा है, ठीक है। देन आपको चाहिए सैंड पेपर, थोड़ा फाइलिंग करने के लिए, स्मूथ करने के लिए एजेस को। पर अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है, आप नेल कटर का यूज कर सकते हो जो कि सभी घर में मिल जाएंगे। इसका जो ये पार्ट होता है नेल्स को स्मूथ करने के लिए, उसका आप यूज कर सकते हो। तो बस इतने आइटम्स चाहिए आपको मोस्टली। तो चलिए देखते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी पिक नहीं है, देखते हैं अगर कोई भी पिक नहीं हो फिर भी हम कैसे बना सकते हैं पिक। तो अभी हम लोग मोबाइल का यूज करेंगे, सबके पास मोबाइल है आजकल। तो कोई भी पिक का फोटो डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पिक है, पिक का फोटो है, पूरा ओरिजिनल है, पिक जैसा ही है। तो अभी हम इसका यूज करेंगे। अगर हो सके तो इसका लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फोन पे सेव कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे हमको क्या करना है। तो अभी हम टिश्यू पेपर का यूज करेंगे, फोन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए एंड इसको फोन के ऊपर रख लीजिए ऐसा। तो आप ऐसे रख लीजिए फोन पे, देन क्या करेंगे मार्कर लेके इसका डायग्राम बना लेंगे टिश्यू पेपर पे, इसका एजेस का। तो ये बन चुका है, इसको अब हम हटा लेंगे। तो अभी हम टिश्यू पेपर को डीवीडी के ऊपर रखेंगे, मैं पुराना वाला यूज कर रहा हूँ, इसमें और भी काफी सारे पिक्स बन जाएंगे। तो इसको ऊपर रखेंगे और इसका फ्रेम बनाएंगे मार्कर से। तो अभी मैं इसके बैक साइड में बना रहा हूँ, आप फ्रंट साइड में भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेम को बनाते हुए। तो ऑलमोस्ट बन चुका है फ्रेम, इसके एजेस को हम ज्वाइन कर लेंगे अभी। ठीक है, हमारा फ्रेम बन चुका है पिक का, थोड़ा रफ बना है, चलेगा, घर पे बना रहे इमरजेंसी के लिए। अगर आपके पास कोई पुराना पिक है तो उसका यूज करके आप फ्रेम आराम से बना सकते हो यहाँ पे रख के, वरना आप ये जुगाड़ लगा सकते हो। तो चलिए इसका कटिंग करते हैं अभी। तो अभी कैंची का यूज करके इसको काटेंगे। तो अभी इसको काट लेता हूँ, देन आपको दिखाऊंगा कैसे ये बना है। तो इसको मैंने अभी काट लिया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पिक का शेप आ चुका है। पर इसको हम थोड़ा फाइल करेंगे, इसका जो एजेस है इसको थोड़ा हम सैंड पेपर में फाइल करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए। अगर आपका सैंड पेपर नहीं है आप नेल कटर का भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए इसका थोड़ा फाइलिंग करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारे घर पे एक सैंड पेपर पड़ा हुआ था तो उसका मैं यूज कर रहा हूँ, आप इसे साइड से इसको स्मूथ कर सकते हो। अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है आप नेल कटर का यूज कीजिए, इसका जो येला पार्ट है उससे आप फाइल कर सकते हो, पर सैंड पेपर से थोड़ा आपका बेटर होगा, फिर भी ये जुगाड़ आप लगा सकते हो। तो इसको मैं फाइल कर देता हूँ, देन आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखा दूंगा। तो अभी मैंने इसको फाइल कर लिया है, स्मूथ कर लिया है इसका एजेस को। तो आप देख सकते हो पूरा पिक जैसा लग रहा है, ये हमारा ओरिजिनल पिक है, ये हमने अभी घर पे बनाया, ऑलमोस्ट सेम है आपका। तो इसका थिकनेस अराउंड आपका 8 से 1 mm के अंदर होगा, पर इसमें आपका 2 लेयर्स होता है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग करके 2 पिक्स भी बना सकते हो जिससे आपका थोड़ा थिकनेस कम जाएगा
एंड आपको थोड़ा इजी भी होगा प्ले करने के लिए। तो चलिए इसको अलग करके देखते हैं अभी। यहाँ पे अलग हो चुका है ये, एक देख सकते हो, ठीक है, दो अलग अलग पिक्स हो गया, एक ही बार में आपको दो पिक्स मिल गया। एंड इसका फील भी आपका पूरा रियल पिक जैसा ही है, काफी फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो मैं बेंड कर रहा हूँ इसको। एंड आपको घबराने की जरूरत नहीं है टूट जाएगा कि क्या होगा, आपको पूरा ओरिजिनल पिक जैसा ही फील आएगा। तो इसको थोड़ा सा फाइल करेंगे, स्मूथ करेंगे, अपने कंफर्ट के हिसाब से फाइल कर सकते हो। देन इसको हम प्ले करके देखेंगे गिटार पे कैसा लग रहा है सुनने में। तो अभी मैंने 6 पिक्स बना लिया ऑलमोस्ट आधे घंटे में, तो चलिए इनको टेस्ट करके देखते हैं अभी। तो चलिए हल्का सा कुछ प्ले करके सुनते हैं, मैं वही पिक यूज कर रहा हूँ जो मैंने अभी बनाया है। तो ये पिक पूरा ओरिजिनल जैसा लग रहा है, ओरिजिनल पिक जैसा फील आ रहा है, काफी फ्लेक्सिबल है, तो आप कोई भी स्टाइल प्ले कर सकते हो इसमें। तो काफी अच्छा पिक आप आराम से घर में बना सकते हो। तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, बाहर से ला नहीं सकते, ऑनलाइन भी मंगा नहीं सकते, तो घर पे बनाइए गिटार, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब ध्यान रखिए, जब मार्कर का यूज कर रहे हो मोबाइल का स्किन पे लगना नहीं चाहिए। अगर मोबाइल स्किन पे मार्कर लग भी जाता है तो आप क्या कीजिए, आफ्टर शेविंग लोशन लीजिए, थोड़ा सा उसको वाइप कर लीजिए, वो आराम से चला जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, आई होप आपको हेल्प किया है। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका पिक खो चुका है, वो ला नहीं सकते अभी, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।